देखिए बिल्कुल जो लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर हर तरह से जो है बिल्कुल जो ख़त्म हो चुका है। अब आप देखिए जहाँ पर NHRC की टीम जा रही है और उसको इस तरह की कठिनाइयाँ हो रही हैं, पुलिस वाले जो है वहाँ पर आ नहीं रहे। अगर आप DCP से पूछिए तो कुछ और ही जो है बात कर रहा है। इससे समझ में आता है कि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वहाँ एक आम नागरिक या अगर TMC के साथ है तो वो ठीक है, और TMC के साथ अगर उसका किसी और पार्टी के साथ एसोसिएशन है और ख़ास कर भारतीय जनता पार्टी का, तो उसके साथ जिस तरह से अत्याचार वहाँ की सरकार कर रही है और वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से गुंडे मवाली लोगों के साथ कहीं ना कहीं पैटर्नेज है, बिल्कुल साफ दिखता है कि उनके इशारे पे हो रहा है, उनके उनके इशारे पे और उनके सपोर्ट से हो रहा है। पूरा पूरा जो है प्रोत्साहन भी और प्रोटेक्शन दोनों उनको मिल रहा है जो गुंडे मवाली से नहीं। तो आप ऐसे देखिए NHRC की टीम है, वाइस चेयरमैन है, जो है MOS लेवल के मंत्री के लेवल के आदमी आतिफ रशीद साहब हैं, लेकिन फिर भी उनको किस कठिनाइयों का साथ सामना करना पड़ रहा है उसे समझ में आता है कि वहाँ बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो चुका है। अब वहाँ के मुख्यमंत्री को आप देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनली काम करना चाहता है उस पर वो उंगली उठाती हैं। कोई अगर गवर्नर जो है अगर बात करता है ऐसे लोगों की पीड़ा, उसको वहाँ पर उस नहीं जो नहीं आज ये माइनॉरिटी ओवर में है जिनको गवर्नर मारा का जा रहा ओवर है रीच है। उसकी बात अगर उठाता है तो गवर्नर बात उठाता है तो गवर्नर पे गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, गवर्नर पे गलत गलत ट्वीट करते हैं, इनके पार्टी के ऊपर लोग जो है MPs जो है गलत ट्वीट करते हैं। उससे समझ में आता है कि वहाँ पर जो मुख्यमंत्री ही सब चीज़ की जो है आर्किटेक्ट है, उन्हीं की वजह से सारा कुछ हो रहा है, उन्हीं के इशारे पे हो रहा है और वो हर तरह से वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल आदेश देकर रखा है कि TMC कैसे हट के कोई हो तो उसको आप सख्ती से निपटो, उनके साथ अत्याचार करो, पॉलिटिकल वायलेंस करो शुभंकर और सरकार हमें जी, पूरा पूरा आप प्रोत्साहन हम आपको देंगे, ये साफ दिख रहा है। ठीक है ऐसे शुभंकर में मुझे सरकार, लगता है कि कोर्ट में जो सौंपी गई मुख्यमंत्री रिपोर्ट है ममता दो बैनर्जी दिन के में राज पास में जिस उसका तरह की दूध का दूध परिस्थितियां पानी वहां हो पर बन जाएगा। रही हैं, किस नजरिए से आप इसे देखते हैं? शुभंकर जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? आप सुन पा रहे हैं? अवनीश अवस्थी थी। जो ये परिस्थितियां, ये टकराव यहां पर दिखाई दे रहा है, चुनाव के बाद भी ये परिस्थितियां जारी हैं और आगे भी सुधार जैसे हालात तो अभी नहीं दिखते हैं। बड़ा सवाल ये यहां से कि आखिर इसमें अब केंद्र की भूमिका क्या हो सकती है और कैसे ये हालात खत्म होंगे, बंगाल में शांति कायम होगी? मीनाक्षी जी, पहले तो मैं नदीमुल हक की बात का जवाब देता हूँ। मैं जो बोलने जा रहा हूं, मैं ऐसा चाहता नहीं हूं कि ऐसा हो, लेकिन नदीमुल हक जी, आप दिल्ली में आए और हम ये कहें या कोई कहे कि यहाँ की जनता में आपके प्रति गुस्सा है और आपकी उसने बड़ी भयंकर तरीके से आपके कपड़े फाड़ दिए, पिटाई कर दी, लहूलुहान कर दिया,